हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #नीतूश्री। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ और अभी अभी लौटी हूँ एक पार्टी से, एंड मेरे फेस पर मेकअप है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कैसे अपना मेकअप रिमूव करती हूँ और कैसे मैं रात में सोने जाती हूँ, मैं क्या अप्लाई करती हूँ। बेसिकली मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने बालों को थोड़ा टाई कर लूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने जा रही हूँ लैक्मे 9 to 5 नेचुरल जेल मेकअप रिमूवर विद प्योर एलोवेरा जेल। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ बेसिकली अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। ये जेल बेस्ड फार्मूला होता है एंड फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, और मैं एक ड्राई स्किन पर्सन हूँ तो मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे स्किन को ड्राई ना करे। तो मैं थोड़ा सा लगाकर इसको मसाज देती हूँ अपने फेस पर। तो ये वाला जो रिमूवर है, मेकअप रिमूवर, ये एक यूनिक जेल फार्मूला से बना रहता है जो कि पूरी तरह से मेल्ट कर देता है आपके मेकअप को। लाइक आईज़ का मेकअप हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का पार्टी मेकअप, नॉर्मल मेकअप, कोई भी मेकअप हो, ये एनरिच्ड है विद 100% एलोवेरा जेल जो कि काफ़ी स्किन को सॉफ्ट एंड सप्पल बनाता है, सूट करता है, स्किन को काम डाउन कर देता है। अब मैं ले रही हूँ ये अर्थ रिदम का रिमूविंग पैड है, ये इससे मेकअप रिमूव करते हैं। तो मैं इसकी हेल्प से सारा कुछ फेस पर क्लीन कर दूंगी। आप कोई भी रिमूविंग टिश्यू या कॉटन या रिमूविंग पैड ले सकते हो। आपके पास कुछ ना हो तो आप वाइप्स ले सकते हो, वेट वाइप्स, उनसे भी क्लीन कर सकते हो। एंड मैं एक ड्राई स्किन पर्सन हूँ तो आज मैं जो भी चीज़ें बताऊँगी वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। ऑयली स्किन के लिए ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें अच्छी हों जो आज मैं बता रही हूँ। अब मैं लेने जा रही हूँ ब्लू हेवन का ये माइसेला वाटर, और मैं थोड़ा सा इससे भी क्लीन करूँगी जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर रेजिड्यू रह गया है। दिस माइसेला वाटर इज़ ऑयल इन्फ्यूज्ड एंड दिस इज़ पैराबेन फ्री ऑल्सो, और ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस कर देता है। तो इसमें और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक इसमें आर्गन ऑयल है और ये स्किन को बहुत अच्छे से नरिश एंड हाइड्रेट कर देता है। एंड दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप, लाइक ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कैसी भी आपकी स्किन, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं मेरा मेकअप सारा का सारा इस पैड ने निकाल लिया है या सोख लिया है। तो उसके बाद मैं फेस को अपने वॉश कर लेती हूँ। टोनर लगाने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र एंड अपने सीरम्स लगाती हूँ। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो स्टेप्स में मैं वीकली करती हूँ, लाइक हफ्ते में एक बार मैं ये सारे स्टेप्स को दोहराती हूँ। तो इसके बाद अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा स्क्रब अपने फेस पर। तो मैं ले रही हूँ एम कैफीन का ये स्क्रब, ये पाउडर फॉर्म में है और इसमें कुछ ड्रॉप्स मैं माइसेला वाटर की डालकर इसको मिलाऊंगी एंड फिर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। आप पानी भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो ये जो पाउडर फॉर्म में स्क्रब है बेसिकली ये बॉडी के लिए है, फॉर बॉडी स्क्रब है ये, बट मैं इसको अपने फेस पे यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। बट अगर आप सेंसिटिव स्किन पर्सन हो तो आप प्लीज़ इसको मत यूज़ करना अपने स्किन पर, और बहुत लाइट हैंड से करना अगर यूज़ करना भी। तो इसके बहुत सारे गुड फीचर्स हैं, जैसे कि ये टैन को रिड्यूस कर देता है, स्किन को बहुत ईवन कर देता है, इसमें ये वीगन है एंड ऑल्सो पैराबेन फ्री है। अब मैं इसको वॉश करके फिर आती हूँ आपके। तो मैंने वॉश कर लिया अपना फेस एंड बहुत लाइट हैंड से आप अपने फेस पर जब भी काम करिए, चाहे वो आप मेकअप कर रहे हो या आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो, बहुत लाइट हैंड से करना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है फेस की, एंड आप ज़्यादा उसको कस कस के रब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है, स्किन रैशेज आ सकते हैं या रिंकल्स आ सकते हैं। तो आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ प्लम का ग्रेप सीड एंड सी बकथॉर्न रेनेसेंस फेस मास्क। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसको ही मैं काफ़ी दिनों से अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं एक जेनरस अमाउंट निकाल रही हूँ और फिर मैं अपने हैंड से ही लगा लूँगी।
आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आप ऑयली स्किन हैं तो आप उस टाइप का कोई मास्क लीजिए जो ऑयली स्किन के लिए अच्छा रहता है। दिस मास्क कंटेन्स ग्रेपसीड ऑयल विच रिड्यूसेज स्किन इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो इसमें है सी बकथॉर्न ऑयल जो जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक आपके फेस पे अगर कोई एक्ने हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्कार्स हैं तो उनको भी ये रिड्यूस करता है। एंड ऑल्सो दिस इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेन एंड सिलिकन। अब वेट करते हैं, ये ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको वॉश करके फिर मैं आती हूँ आपके सामने। तो मैं अपने मास्क को वॉश करके आ गई हूँ। काफ़ी अच्छा मास्क है ये, मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। मैं बहुत जल्दी इसका बैकअप खरीदूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला मास्क, इसकी स्मेल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड गाइस ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं उनको ही मैं यूज़ करती हूँ हमेशा से। आप देख सकते हैं ये मेरा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। तो टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का जैस्मिन हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट, और वैसे मेरे पास डाबर का गुलाब जल वाला भी है टोनर, लेकिन इस टाइम मैं यही यूज़ करने जा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग लगता है मुझे। गुड वाइब्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। गुड वाइब्स में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं स्किन केयर के लिए, तो एंड काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड है। पर्पल में आपको ईजिली मिल जाते हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको उसमें आपको टोनर, स्क्रब, लाइक आपका मास्क, एवरीथिंग वहाँ पे है, आप देख सकते हो, आप चेक कर लो जाके अगर आपको लेना है तो। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पे ऑफर्स एंड स्कीम्स भी चलती रहती हैं, काफ़ी रीजनेबल हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेरा सुगंधा एजिलैक प्लस नियासिनामाइड सिरम जो ब्लेमिशेस को कंट्रोल करता है। ये सिरम मैं लगाती हूँ, इसको मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लगाती हूँ। एंड इस सिरम के साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कभी भी डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र के साथ इसको यूज़ करो। जैसे कि मैं जो यूज़ करती हूँ तो मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ कलर बार का ये सेलुलर ड्राई ऑयल, कुछ ड्रॉप्स इसकी लूँगी मैं और कुछ ड्रॉप्स इसकी लूँगी, और दोनों को मिक्स करके मैं लगाती हूँ। तो आप देखिए मैं क्या करती हूँ, ओनली 2-3 ड्रॉप्स एंड 2-3 ड्रॉप्स मैं लूंगी ऑयल। ये काफ़ी अच्छा ऑयल होता है, बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, बिल्कुल भी लाइक स्टिकी या ऑयली नहीं लगता है। और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके और फेस अपने फेस पर पूरा एब्जॉर्ब करा दूंगी डैबिंग पोजिशन में लाइक दिस। जो ये सिरम है ये बहुत अच्छा होता है, ये क्या करता है हमारी स्किन पे जो ब्लेमिशेस या स्पॉट्स आने लगते हैं उनको रिड्यूस करता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है और उनको कंट्रोल भी करता है बढ़ने से। तो अच्छा प्रोडक्ट है सुगंधा का ये, एंड दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और इसमें कोई स्मेल भी नहीं है तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है। तो गाइज जितने भी स्किन केयर की जो रूटीन होती है ना, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कोशिश करिए वो रात में ही करिए सोने से पहले, क्योंकि दिन में अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सन में जाओगे लगा के तो कुछ अलग रिएक्शन भी हो सकता है मे बी। तो मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ज़्यादा स्किन के बारे में नहीं पता है, बट जैसे मैंने देखा है कि अगर आप सन में जा रहे हो, मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हो दिन में धूप है, तो आपको सिर्फ सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए उस टाइम पर, और इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं वो आप ऐसे टाइम पे यूज़ करो जब आपको घर से ना जाना हो बाहर कहीं। तो अब इसके ऊपर मैं लेयर करने वाली हूँ हाइलोरोनिक एसिड फ्रॉम सुगंधा, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। गाइस मैं जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसी ब्रांड का लो, आपको जो भी अफोर्डेबल लगे, आप जिस ब्रांड को यूज़ करते हो आप उस ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो जो हाइलोरोनिक एसिड होता है वो बहुत अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए, वैसे तो ऑल स्किन टाइप्स पे चला जाता है, और लेकिन क्या करता है ये ना, जो हमारे फेस से मॉइस्चर समटाइम्स खो जाता है या समटाइम्स लाइक जैसे एजिंग हो रही है तो वो गायब होने लगता है, आपकी स्किन बहुत ड्राइनेस की तरफ जाने लगती है,
तो जो हाइलोरानिक एसिड होता है वो उसको वापस लाता है आपकी स्किन पे, फिर से मॉइस्चर को लेकर आता है। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है, इसको आप बिना किसी मॉइस्चराइज़र के भी सिर्फ अपने स्किन पे भी लगा सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ भी कि आप मॉइस्चराइज़र के साथ ही लगाओ, तो दो तीन ड्रॉप्स इसके भी लेने होते हैं, आप अच्छे से ब्लेंड कर लो। आप अपने बल्कि मॉइस्ट फेस पे लगाओ, जब आपका हल्का सा नमी नमी रहती है ना फेस की, तब लगाना चाहिए। एंड इसको ब्लॉक करने के लिए या इसको लॉक करने के लिए आप उसके ऊपर से कोई सीरम लगा सकते हो, या वही ग्लो ऑयल या कोई भी सीरम या मॉइस्चराइज़र, उससे ये स्किन में ना लॉक हो जाता है। इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन टू आर स्किन एंड ये डीपली नरिश कर देता है स्किन को और स्मूथ एंड रेडियंट बना देता है स्किन को, इनको काम कर देता है, सॉफ्ट एंड सप्पल बनाता है, मोर यंगर बना देता है स्किन को, एंड दिस इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैं बिल्कुल बेड पे सोने वाली होती हूँ तो मैं लगाती हूँ पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। ये मैं बचपन से लगाती आ रही हूँ, मैं इसको छोड़ नहीं पाती हूँ। अगर मैं इसको नहीं लगाती हूँ मेरे फेस पे बहुत इचीनेस लगती है रात में, तो मैं क्योंकि अभी गर्मी भी आ गई है, एसी चलते हैं रूम में, तो ड्राइनेस लगती है स्किन में, तो मैं थोड़ा सा सोते टाइम पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम ज़रूर लगाती हूँ। मे भी कुछ लोग बताते हैं कि नहीं लगाना चाहिए कोल्ड क्रीम, बट पता नहीं मुझे आदत है। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो टोटली, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे एक हैबिट है। मैं पहले चार्मिस की कोल्ड क्रीम लगाती थी जब मैं बहुत छोटी थी, फिर कुछ दिनों बाद चार्मिस की कोल्ड क्रीम आनी बंद हो गई, लाइक उन्होंने उसका क्रिएशन ही बंद कर दिया कंपनी ने। तब हमने फिर पॉन्स क्रीम लगानी शुरू की और अब चार्मिस फिर से आने लगी है, लेकिन मैंने पॉन्स को छोड़ा नहीं और मैं आज भी पॉन्स की कोल्ड क्रीम लगाती हूँ। एक अच्छा अमाउंट लगाती हूँ आप देख सकते हो, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ और उसके बाद ही मैं सोती हूँ। लास्ट में मैं लगाती हूँ अपने लिप्स पे एक लिप बाम, तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ ब्लड ऑरेंज एंड रोजिप ऑर्गेनिक लिप बाम। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है फॉर पिगमेंटेड लिप्स, लाइक जिसके लिप्स थोड़े से डार्क होते हैं, मेरे भी थोड़े थोड़े यहाँ पे हैं, तो ये उन डार्कनेस को उस पिगमेंटेशन को थोड़ा कम करता है। एंड इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा फटते हैं तो ये उनको रिपेयर कर देता है सुबह तक। तो मैं अच्छी से इसकी क्वान्टिटी लेती हूँ, एंड ये लेमन ग्रास जैसा स्मेल करता है, एंड अपने लिप्स पे एक अच्छी लेयर लगा देती हूँ। एंड आई एम गुड टू गो। तो ये है मेरा स्किन केयर रूटीन, आप देख सकते हैं आपको कैसी लग रही है मेरी स्किन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मैं आपके साथ बहुत जल्दी अपना मॉर्निंग स्किन केयर भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्लम्प्ड एंड हाइड्रेटेड लग रही है मेरी स्किन। मैं ऐसे ही सोती हूँ डेली, लाइक मैं कुछ चीज़ें डेली नहीं यूज़ करती हूँ जैसे कि मैंने बताया है, बट कुछ चीज़ें मेरी डेली ही होती हैं यूज़, तो उसके बिना मैं सो नहीं सकती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ, किसी के घर भी जाती हूँ रात में, शादियों में जाती हूँ, रुकने जाती हूँ, तो मैं अपना सारा ये सब चीज़ें लेके जाती हूँ, तो मैं इतना ही करके सोती हूँ रात में। आप भी अपनी स्किन की ज़रूर केयर करिए गाइज, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग फेशियल को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, कुछ लोग स्किन केयर को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं, तो उनके फेस पर जल्दी एजिंग आने लगती है। एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, मैं भी बहुत सारा पानी पीती हूँ, 3 से 3.5 लीटर तो डेली पी ही लेती हूँ, गर्मियों में और भी ज़्यादा ही हो जाता है, विंटर्स में थोड़ा कम हो जाता है, पर गर्मी में बहुत ज़्यादा पीती हूँ मैं पानी। तो या गाइस, इतना ही था आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, चलती हूँ मैं, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय बाय, लव यू ऑल।